अब कुछ ऐसी शांति हम आपको बतला रहे हैं जो सामान्य रूप से जीवन में बर्ताव में आती है। देखिए, पल्ली पतन शांति, अगर कोई छिपकली आपके ऊपर गिर गई तब भी शांति है। शरतारोहण शांति, जो शरट होता है, गिरगिट जिसको कहते हैं, करकेटा जिसको कहते हैं, वो यदि आपके शरीर पर चढ़ गया, गिरा तब नहीं, आरोहण, पल्ली पतन और शरतारोहण, अगर छिपकली कोई चढ़ गई आपके ऊपर तब दोष नहीं है, ऊपर से गिरने का दोष है, और शरट का माने गिरगिट का चढ़ने का दोष है तो उसकी शांति है। श्वेत काक दर्शन शांति, एक सफेद कौआ और होता है, उसके दर्शन करने पर शांति होती है। कभी कभी ये जो चिड़ियाघर है, क्या कहते हैं उसको, जू, जू में जो है सफेद कौआ पकड़ के रख लेते हैं दिखाने के लिए, अगर कोई देख आए तो भाई उसकी शांति कर। कुछ चीज ऐसी है, हमने एक वीडियो बनाई थी, वही कोई चीज ऐसी है देख लो और देखने मात्र से ही पातक लग जाता, देखना नहीं है उनको। काक विष्टा पतन शांति, अगर आप बैठे हैं और कौए ने आपके ऊपर विट कर दिया माने मल त्याग कर दिया तो आपको शांति करनी पड़ेगी। काक स्पर्श शांति, कौआ सिर पर बैठ गया, कौए का स्पर्श हो गया आपका, कौए को छूना नहीं है, काक को बलि रोज देना है पर छू लिया तो शांति है। काक मैथुन दर्शन शांति, कौए और जो उसकी कौवी है उसके साथ यदि वो गर्भाधान कर रहा है या जो अपनी क्रिया कर रहा है उसको आपने देख लिया मैथुन को तब भी शांति है। सर्प सर्प मैथुन दर्शन शांति, सर्प भी यदि किसी ने सर्प मैथुन कर रहे हैं, सांप सांप है नाग नागिन, तो आपने देख लिया मैथुन करते हुए तब भी आपको शांति। वैसे तो ऐसा सुना है हमने पूर्वजों के मुंह, बड़े बूढ़ों के मुंह सुना है कि सांप यदि ये मैथुन कर रहे हो, किसी ने देख लिया और सांपों ने यदि उसको देख लिया कि ये हमको देख रहा है एकांत में करते हैं, तो वे सांप और सांपिन वो जो है नागिन उनके पीछे पड़ जाती, बाके आते हैं, तो वो ऐसा कर दे नहीं आए, अगर वो गिर गया पकड़ लिया सांपों ने तो सांप काट लेते हैं। तो उसका उपाय ये बतलाते हैं कि अपना कोई वस्त्र इत्यादि छोड़ दो और भाग जाओ, तो वे सांप इत्यादि उस वस्त्र को काट कूट करके खत्म कर देते हैं, अपनी गुस्सा शांत कर लेते हैं। तो पर उसको देखने पर शांति जरूर करना चाहिए। अगर देखिए, घरट्टो लूखल मुसल दृषदासन मंचका दे रकस्मात स्फोटने शांति, चक्की रखी रखी अपने आप टूट जाए, ऊखल मूसल या सिल लोड़ा, ये जो सिलवट्टा होता है, या खटिया रखी रखी अपने आप टूट गए, भंकुश हो जाए, तो अकस्मात विस्फोटन है, अकस्मात विस्फोटन इनका हो जाए तब भी शांति होती है। इस तरीके से नाना विध दिव्य भौमांतरिक्ष उत्पात की शांति भी होती है। दिव्य उत्पात कोई हो जाए, ये भी अब समझने पड़ेंगे आपको कि दिव्य उत्पात कौन से होते, भौम उत्पात हो जाए, अंतरिक्ष उत्पात हो जाए, तब भी उनकी शांति। प्राकृति माने प्राकृतिक कोई विप्लव होने पर, प्रकृति में कोई अनिष्ट सूचना दिखने पर भी, राष्ट्र में कोई ऐसा ना हो, हमारे देश में कोई गलत कार्य ना हो, गलत में कोई क्षोभ इत्यादि, राष्ट्रभंग इत्यादि ना हो, इस दृष्टि से भी विश्व की शांति के लिए भी कुछ शांति की जाती है। ये अब देखिए कुछ ऐसी शांतियाँ व्यवहार में जो अपने जीवन में आने रहती हैं, जो गृह से अपने संबंध हैं, जैसे घर से संबंध है, मतलब आपके घर मकान से संबंधित है, इसको आप देखेंगे तो देखिए गृह कपोत प्रवेश शांति, यदि आपके घर में कबूतर घुस गया तो आपको शांति करनी पड़ेगी, भाई हमारे यहाँ तो कबूतर बैठे रहते हैं, तो भाई आपको निकालो और उनको शांति करो, उनको रहने के अलग स्थान है। उल्लू का प्रवेश शांति, गृह उल्लू, घर में उल्लू घुस जाए तो शांति। गृह कंक प्रवेश शांति, कंक एक पक्षी होता है वो घर में घुस जाए तब भी शांति है। गृह गृध प्रवेश शांति, गीध घुस जाए तब। गृह शेन प्रवेश शांति, घर में यदि शेन माने बाज घुस जाता है तब भी शांति। गृह श्वान प्रवेश शांति, ध्यान देना, घर में यदि कुत्ता घुस जाए तो भी शांति करना चाहिए। आजकल तो कुत्ते बेड पे बैठे हैं और सब आनंद कर रहे हैं, लोग उनके साथ में जाने जाने क्या खा पी रहे हैं, उनके जो उनसे चुम्बन कर रहे हैं उनका, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कुकर, तो ये सब करने का क्या कुफल होगा वो आप समझ जाइए। ऐसे लोगों से कहा घर में कुत्ता घुस गया इसको निकालिए और आप शांति करिए तथा पवित्र करिए ऐसे घर को, तो ये कभी मानेंगे, उनका तो हिसाब ऊपर ही होगा। इस तरीके से विचार कर लें जो लोग खास रूप से, क्योंकि हमने कई लोगों से ऐसी बात की है तो वो लोग कुतर्क करते हैं,
कुतर का कोई हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास दंड देने का विधान नहीं है, बतलाने का है, हम बतला रहे हैं। बाकी के दंड देने का विधान राजा के पास है, राजा इसमें खुद सम्मिलित है आजकल। तो इन सब का आजकल का है, जो भी अधर्म करने वाले हैं, कोई भी हो, हम हो आप हो, तो उनका हिसाब सब वहीं होगा यमालय में। ठीक है, अब देखिए, गृह स्वान प्रवेश शांति, गृह मधुमक्ष कोत्पत्तौ शांति। यदि घर में कोई मधुमक्खी लगे या छत्ता लगे या, तो उसकी भी शांति होती है। गृह बलमी कोत्पत्तौ शांति, घर में कोई दीमक बामी बना ले, बलमीक बन जाती ना जैसे, उसकी भी शांति है। और गृह तृणादि गुच्छ प्ररोहे शांति, घर में कोई घास जम जाए, बहुत दिन तक आप झाड़ेंगे करेंगे नहीं तो घास जम जाएगी घर में, कच्चे घर होते हैं तो उनमें तो बहुत संभावना होती है, पर आप झाड़ू बुहारू लगाएंगे तो नहीं होगा। पर घर में कोई गुच्छ वो जो है वृक्ष या गुलमलता औषधि जम जाए, वो कोई लगाए गए विधान से, उनकी बात अलग है। तो तृणादि गुच्छ प्ररोहे शांति, दुष्ट ग्रह मुखे आहुति पाते शांति। अगर आप हवन कर रहे हैं दुष्ट ग्रह के, मैंने गलत समय में गलत मुहूर्त में आपने आहुति दे दी, हवन कर दिया, तब भी शांति करनी पड़ती है। उद कुंभ प्रज्वलने शांति, देखिए ऐसा होता है कि जल का घड़ा रखा है और जल के घड़े में आग लग गई, ऐसा होता है, तो उसकी भी शांति होती है। ध्वज विनाश शांति, अभी ध्वज लगाया था घर में, ध्वज लगा हुआ है, मंदिर में ध्वज लगा हुआ है, एकदम अचानक फट जाए टूट जाए, तब भी उसकी शांति होती है। और देखिए देखिए बहुत काम की चीज है कि श्रावणी बडवा प्रवेश शांति, माने श्रावण में, सावन महीने में, श्रावण में यदि आपकी घोड़ी ब्याह जाती है, घोड़ी बच्चा देती है, तो आपको शांति करनी पड़ेगी, ये मालिक को करनी पड़ेगी। भाद्रपदे गोप्रसवे शांति, भाद्रपद में यदि गाय ब्याह जाए तो उसकी भी शांति करनी चाहिए, नहीं तो अशांति हो जाती महाराज, बहुत बड़ी अशांति होती है इनसे। माघे महिषी प्रसवे शांति, माघ मास में यदि भैंस ब्याह जाती है तो उसके मालिक को खतरा होता है, उसकी शांति करनी चाहिए, इसका हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। चैत्र रास भी प्रसवे शांति, चैत्र महीने में यदि किसी के गधही हो गधा, तो वो ब्याह जाए तो उसकी भी शांति होती है। और भी इसकी शांति, कई तरीके की शांतियों का विधान है जो कि हमारे इसमें संज्ञान में है। इतनी शांति तो पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाई है और इसमें से कुछ हमने करवाई हैं कई शांतियाँ, तो इसलिए अगर कोई पढ़ना चाहता है, इनके बारे में पूछना चाहता है, जानना चाहता है, तो भी हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी का ऐसे दुष्ट समय में या ऐसे में समय में कोई जो है जन्म हुआ है या कोई कार्य है, तो हम जो है उसका विधान भी बतला सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारी संस्था की तरफ से ये कार्य भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सब शांतियाँ हैं, अगर जीवन में शांति रखना है तो इनका विधान समझना है, पढ़ना है और अनुसरण करना है। और दुष्ट समय का अनुसरण करने पर, जन्म लेने पर, या ऐसा ऐसा वर्ताव व्यवहार करने पर, या उनके साथ में ऐसा होने पर, वो शांति अवश्य करानी चाहिए। हमारे यहाँ तो शांति मयूख, शांति से संबंधित कई ग्रंथ हैं, कई ग्रंथ शांति से संबंधित हैं, है ना। तो ये उनको पढ़ना, अनुसरण करना, ये हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है, उनमें भी सनातन धर्मियों का तो ये जो है मूल है। हर हर महादेव।